गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एमए पर जेल का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, माना बेकार। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा बालक के संस्कर्ष में रोग। बालक के संस्कर्ष में रोग। बालक के संस्कर्ष में रोग। इसमें लिखेंगे संस्कर्ष में रोग से तात्पर्य है एक व्यक्ति के संपर्क से दूसरे व्यक्ति को रोग फैल जाना। संस्कर्ष रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति के संपर्क से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, वह रोग संस्कर्ष में रोग कहलाते हैं। आगे लिखेंगे मक्खियों द्वारा वायु से अथवा रोगों से रोग के कीटाणु ग्रहण खाने की वस्तुओं पानी आदि में फैला दिया जाता है। इन्हें संक्रामक भी कहते हैं। वस्तुतः इनकी उत्पत्ति जीवाणु अथवा विषाणु द्वारा होती है। जो संसर्गजन्य रोग होते हैं ये वायु द्वारा, दूषित भोजन द्वारा, जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है और उसकी सांस या बात करने में जो थूक के कण होते हैं उसके द्वारा जो कीटाणु निकलते हैं उससे भी ये रोग एक दूसरे में फैल जाते हैं। ये रोग निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें जो हमारा पहला आज हम रोग पढ़ेंगे वह रहेगा काली खांसी। काली खांसी इसमें यह एक संक्रामक रोग है जो प्रायः बाल अवस्था में होता है। खांसी प्रारंभ में साधारण जुकाम तथा खांसी के साथ साथ प्रारंभ होती है। धीरे धीरे खांसी बढ़ती जाती है और भयंकर रूप धारण कर लेती है। खांसी के साथ बच्चों को वमन भी हो जाता है। जो काली खांसी है जब इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले काली खांसी ज्यादातर बाल अवस्था में ही होती है। छोटे बालकों के लिए जब ये काली खांसी होती है तो इसके लक्षण हमें शुरुआत में दिखाई नहीं देते हैं। ये नॉर्मली खांसी लगती है और धीरे धीरे ये भयंकर रूप धारण करने लगती है। मुंह लाल पड़ जाता है तथा सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इस रोग में ब्राको निमोनिया होने का भी डर रहता है। यह रोग हमारे देश में सामान्यतः निम्न एवं मध्यवर्गीय परिवारों में पाया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष सैकड़ों बच्चों की मृत्यु का कारण बन जाता है। जो काली खांसी होती है हमारे भारतवर्ष में अधिकांश बच्चों की मृत्यु काली खांसी के कारण ही होती है। धीरे धीरे तो इसमें नॉर्मली खांसी होगी, फिर ये खांसी भयंकर रूप धारण कर लेती है और बच्चों का मुंह एकदम लाल पड़ने लगता है और खांसते खांसते वमन भी हो जाता है। अब इसमें हेडिंग डालेंगे हम इसके लक्षण। लक्षण इसमें पॉइंट्स वाइज रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जुकाम तथा गले में दर्द होना। सेकंड पॉइंट में हल्की खांसी का होना। थर्ड पे नाक बहना। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे आंखों से पानी निकलना। नेक्स्ट पॉइंट में खांसते खांसते वमन हो जाना। नेक्स्ट सांस लेने में कठिनाई होना। नेक्स्ट पॉइंट में हल्का ज्वर रहना, फिर धीरे धीरे खांसी बढ़ना व खांसी का दौरा पड़ना। लास्ट पॉइंट रहेगा काफ़ी देर तक खांसते रहना। ये होते हैं इस काली खांसी के लक्षण। सबसे पहले तो हल्का जुकाम होता है, धीरे धीरे खांसी आने लगती है, नाक आँख से पानी भी निकलने लगता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। खांसते खांसते वमन भी हो जाती है और धीरे धीरे ये खांसी इतनी बढ़ती है कि मिनट्स के हिसाब से बढ़ती है। शुरुआत में तो एक दो मिनट का दौरा होता है इस खांसी का, फिर धीरे धीरे 5 से 7 मिनट तक का इसका दौरा होने लगता है। अब इसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी संक्रमण। संक्रमण इसमें लिखेंगे यह रोग संसर्गजन्य है अर्थात इस रोग के कीटाणु
रोग से बात करने से लेकर छींकने से वायु में मिलकर अन्य व्यक्तियों तक पहुंचकर उसको भी रोगी कर देते हैं। इसलिए इसके पीड़ित रोगी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। रोगी के बलगम तथा मल मूत्र आदि को जला देना चाहिए। संक्रमण एक संसर्गजन्य रोग होता है। जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है वो स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में तो उसे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यदि उससे बात भी कर रहे हैं तो मास्क लगा के और एक उचित दूरी बनाकर ही बात करनी चाहिए। जो जिसको काली खांसी उसके बलगम को या उसके खून को जहाँ उसने थूका है उसको जला देना चाहिए, क्योंकि इस रोग के कीटाणु बहुत ही तेजी से फैलते हैं। अब इसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी इसके उपचार। जैसा कि लक्षण में हमने पॉइंट्स वाइज पर लिखा था, ऐसे ही उपचार में ही हमें पॉइंट्स वाइज लिखना है। इस रोगी का निम्नलिखित उपचार करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में आएगा हमारा, रोगी बच्चे को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट, रोगी को ठंड तथा सीलन से बचाना चाहिए तथा उसे पर्याप्त कपड़े पहनाने चाहिए। रोगी का कमरा वायु व प्रकाश युक्त होना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट में है उपचार में, यदि बच्चा इस रोग से पीड़ित है तो उसे अन्य बच्चों से दूर रखना चाहिए और उसके लिए ठंडे तथा सीलन से बचा के रखना चाहिए और उसका जो कमरा होगा वायु और प्रकाश युक्त ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, रोगी को हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन देना चाहिए। काली खांसी के जो रोगी होते हैं उनका उपचार किया जाए घर में, उनके लिए सुपाच्य और हल्का भोजन ही देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में, रोगी को थोड़ी देर खुली वायु में टहलने देना चाहिए। यदि काली खांसी से पीड़ित बालक है तो उसको थोड़ी देर खुली हवा में भी टहला देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, घर के अन्य बच्चों को इस रोग का टीका लगवा देना चाहिए। यदि घर में कोई एक बालक काली खांसी से पीड़ित हो चुका है तो आदि यदि अन्य बच्चे भी इससे पीड़ित नहीं है तब भी उनके लिए इसका काली खांसी का टीका लगवा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में, रोगी के प्रयोग में आने वाली सभी सामग्री को नित्य निसंक्रमित कर देना चाहिए। जो जो घर में सामग्री होती है, रोगी ने उस सामग्री को छुआ है या उसका उपयोग किया है तो उस सारे वस्तुओं को, उन सारे सामान को निसंक्रमित कर देना चाहिए। नेक्स्ट में, पानी के लिए पीने का पानी जो होता है, पानी के लिए उबला और गुनगुना पानी ही देना चाहिए। काली खांसी का जो मरीज होता है उसके लिए पीने का पानी जैसा उबला बॉइल किया हुआ और हल्का गुनगुना पानी ही देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, लास्ट है, रोगी को फलों का रस व सब्जी का सूप देना चाहिए। जो काली खांसी से पीड़ित रोगी है उसको फलों का जूस और सब्जी का सूप ही देना चाहिए। ये जो हमारा टॉपिक था काली खांसी,